Assalamualaikum. Welcome to Emmy Foundation School. This is your Pakistani Studies book. Today we will discuss the homework assignment number 18, chapter number 7, the population of Pakistan, yani Pakistan ki abadi, demography, yani mardum nigari, the study of the data which records the changing numbers of births and deaths in a society over a specified period of time is called demography. किसी भी community या माशरे में पैदाइश और अमवात की कवायफ यानी data के मुताले को मर्दुम निगारी कहते हैं. The demographic data is essential for a purposeful planning. Demographic का जो data होता है वो ज़रूरी है किसी भी बामकसद मनसूबा बंदी के लिए, क्योंकि जब तक कोई कवायफ यानी डेटा हासिल नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी बामकसद मनसूबा बंदी मुमकिन नहीं होती है. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफी, द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफिक आर टोटल पापुलेशन यानी कुल आबादी, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन इलाकाई तकसीम, नंबर टू द अर्बन रूरल रेशियो शहरी और देही आबादी का तनासब, नंबर थ्री लिटरेसी लेवल ऑफ एजुकेशन ख्वानदगी और तालीम की सतह, नंबर फोर रेट ऑफ पापुलेशन ग्रोथ रेट आबादी में इजाफे की शरह, नंबर फाइव एवरेज डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर फी मुरब्बा किलोमीटर आबादी की औसत कसाफत यानी गुंजाइश, नंबर सिक्स ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल बाशिंदों का रोज़गार और पेशे. सेंसस यानी मर्दुम शुमारी, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड सेंसस. वो अमल जिसमें के किसी भी मुल्क की आबादी का मुकम्मल डेटा यानी कवायफ जमा किए जाते हैं वो मर्दुम शुमारी कहलाता है. दिस टेक प्लेस आफ्टर एवरी 10 ईयर्स. आमतौर पर मर्दुम शुमारी हर 10 साल के बाद होती है. द फर्स्ट एवर सेंसस इन साउथ एशिया टुक प्लेस इन 1872. जनूबी एशिया में पहली मरदमशुमारी 1872 में हुई थी. सेंसस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की मरदमशुमारी, पाकिस्तान में कब कब मरदमशुमारी हुई है. नंबर वन पॉइंट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन 1951. पाकिस्तान के क़याम के बाद पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई. द सेकेंड सेंसस टुक प्लेस इन 1961. दूसरी मरदमशुमारी 1961 में मुकम्मल हुई. द थर्ड सेंसस वॉज हेल्ड आफ्टर 11 ईयर्स इन 1972. तीसरी मरदमशुमारी 11 साल के बाद 1972 में की गई. द फोर्थ सेंसस टुक प्लेस इन 1981 व्हेन द पॉपुलेशन वॉज 84.253 बिलियंस. तीसरी मरदमशुमारी जो है वो 1981 में हुई थी जबकि आबादी 84.253 मिलियन थी. नंबर फाइव द फिफ्थ सेंसस टुक प्लेस आफ्टर 17 ईयर्स इन 1998 व्हेन द पॉपुलेशन वॉज 132.352 मिलियन. पांचवी मरदमशुमारी 17 साल के बाद 1998 में हुई जिसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 13 करोड़ थी. पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आबादी टोटल पॉपुलेशन यानी कुल आबादी. अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज 13,023,52,279 पीपल. 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 13,23,52,279 अफराद पर मुश्तमिल है. एरिया यानी कुल रकबा, द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर. पाकिस्तान का कुल रकबा जो है वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज 166% पर स्क्वायर किलोमीटर. पाकिस्तान एक गुंजान आबाद मुल्क है जिसकी गुंजाइश यानी कसाफत औसतन यानी 166 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज 2.6 पर
एनम। ग्रोथ रेट जो है पाकिस्तान का वो 2.6 पर एनम है। पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, पंजाब की आबादी। पॉपुलेशन वाइज पंजाब इज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। टोटल पॉपुलेशन, कुल आबादी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द पंजाब प्रोविंस इज 7,36,21,290। कुल आबादी की 7,36,21,290 अफराद पर मुश्तमिल है। एरिया ऑफ पंजाब, रकबा पंजाब का, द टोटल एरिया ऑफ पंजाब इज 2,53,345 स्क्वायर किलोमीटर। कुल रकबा जो है पंजाब का वो 2,53,345 स्क्वायर किलोमीटर है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, आबादी की कसाफत। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 358% पर स्क्वायर किलोमीटर। आबादी की गुंजाइश यानी कसाफत जो है वो 358 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। रेशियो 55.63% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिव इन पंजाब। पाकिस्तान की कुल आबादी का 55.63% अफराद जो है वो पंजाब में रहते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सिंध, सिंध की आबादी। पॉपुलेशन वाइज इट इज द सेकेंड बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। आबादी के लिहाज से ये दूसरा बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। टोटल पॉपुलेशन, कुल आबादी। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिंध प्रोविंस इज 3,04,39,893। कुल आबादी जो है सूबे सिंध की वो 3,43,09,893 अफराद पर मुश्तमिल है। एरिया ऑफ सिंध, द टोटल एरिया ऑफ सिंध इज 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध का कुल रकबा 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिंध इज 218% स्क्वायर किलोमीटर। आबादी की गुंजाइश या आबादी की कसाफत 218 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। रेशियो 23% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिव्स इन द सिंध प्रोविंस। पाकिस्तान की कुल आबादी की 23% आबादी सिंध में रिहाइश पजीर है। पॉपुलेशन ऑफ केपीके, केपीके की यानी सूबे सरहद की आबादी। पॉपुलेशन वाइज इट इज आल्सो बिगर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। आबादी के लिहाज से ये भी एक बड़ा सूबा है। टोटल पॉपुलेशन इन केपीके इज 7,43,645। कुल आबादी सूबे सरहद की 1,77,43,645 अफराद पर मुश्तमिल है। एरिया ऑफ केपीके, द टोटल एरिया ऑफ केपीके इज 74,521 स्क्वायर किलोमीटर। कुल रकबा केपीके का 74,521 स्क्वायर किलोमीटर है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 238% स्क्वायर किलोमीटर। आबादी का तनासुब या आबादी की कसाफत 238 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर के हिसाब से है। रेशियो तनासुब 14.41% पीपल ऑफ पाकिस्तान लिव इन केपीके। सूबे सरहद में पाकिस्तान की कुल आबादी का 14.41% अफराद रहते हैं। पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की आबादी। टोटल पॉपुलेशन, कुल आबादी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान इज 6,56,585। कुल आबादी बलूचिस्तान की 6,56,05,885 अफराद पर मुश्तमिल है। एरिया ऑफ बलूचिस्तान, टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान इज 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। कुल रकबा बलूचिस्तान का 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ओनली 19% पर स्क्वायर किलोमीटर। आबादी की गुंजाइश 19 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर के हिसाब से है। रेशियो यानी तनासुब 4.46% पीपल ऑफ पाकिस्तान लिव इन बलूचिस्तान प्रोविंस। पाकिस्तान की आबादी का 4.46 यानी 4.46% अफराद जो हैं वो बलूचिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। पॉपुलेशन ऑफ फाटा, टोटल पॉपुलेशन। फाटा की कुल आबादी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ फाटा इज 3 मिलियन
17,06,331। कुल आबादी फाटा की 3,17,06,331 अफराद पर मुश्तमिल है। एरिया ऑफ फाटा, कुल रकबा फाटा का, टोटल एरिया ऑफ फाटा इज 27,220 स्क्वायर किलोमीटर। कुल रकबा फाटा का 27,220 स्क्वायर किलोमीटर है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 117% पर स्क्वायर किलोमीटर। आबादी की गुंजाइश 117 अफराद फी मुरबा किलोमीटर के हिसाब से है। रेशो 0.61% पीपल ऑफ पाकिस्तान लिव इन फाटा। फाटा में 0.61% अफराद पाकिस्तान की आबादी के रिहाइश पजीर हैं। पापुलेशन ऑफ कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद यानी कि जो हमारा दारुल कैपिटल सिटी है यानी दारुल हुकूमत है, उसकी आबादी, टोटल पापुलेशन, कुल आबादी, टोटल पापुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज़ 8,05,235। कुल आबादी इस्लामाबाद की 8,05,235 अफराद पर मुश्तमिल है। एरिया ऑफ इस्लामाबाद, टोटल एरिया ऑफ इस्लामाबाद इज 906 स्क्वायर किलोमीटर। कुल रकबा इस्लामाबाद का 906 स्क्वायर किलोमीटर है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 889% पर स्क्वायर किलोमीटर। आबादी की गुंजाइश 889% फी मुरबा किलोमीटर के हिसाब से है। रेशो यानी तनासुब 0.61% पीपल ऑफ पाकिस्तान लिव इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की आबादी का 0.61% अफराद यानी कि 0.6% अफराद इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं। पापुलेशन रेट विद इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ग्रोथ रेट फ्रॉम 1981-1998, द पापुलेशन grew at the rate of 2.6% per annum. This means that the rate of growth is above the world rate of 1.5% per annum. Due to rapid rate of population growth, the ratio of child population has also increased. Pakistan mein afzaishe abadi ki sharah, Pakistan mein afzaishe abadi ki sharah iqtisadi wasail ki nisbat kaafi tez hai. 1981 से 1998 के दौरान सालाना शरह अफजाइश 2.6 यानी 2.6% रही। अफजाइश आबादी की शरह आलमी शरह अफजाइश से बहुत ज़्यादा है जो कि 1.5 थी, 1.5% थी। तेज़ रफ्तार अफजाइश आबादी की वजह से पाकिस्तान में बच्चों की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। The rise in ratio of child population has created the problem of child care as well as the education and training along with the problem of increasing dependent population. बच्चों की आबादी का तनासुब बढ़ने से उनकी परवरिश और तालीम और तरबियत के मसाइल पैदा होते हैं और इसके साथ ही दूसरों पर इनसार करने वाली आबादी में इजाफे का मसला भी पैदा होता है। लिटरेसी रेट शरह ख्वानदगी, इन 1951 द लिटरेसी रेट वॉज 13.2% विच राइज टू 45% इन 1998 अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान सेंसिस रिपोर्ट ऑफ 1991 में ख्वानदगी का तनासुब 13.2% था जो बढ़कर 1998 की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक 45% यानी 45% हो गया है। प्रोफेशंस, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज एंगेज्ड विद एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत ज़रात के शोबे से वाबस्ता है। द नेक्स्ट प्रोफेशन इज इंडस्ट्री, दूसरा बड़ा पेशा सनतकारी है। द थर्ड मेन प्रोफेशन इज सर्विस एंड ट्रेड, तीसरा बड़ा पेशा मुलाजमत और तिजारत है। अबाउट 10% ऑफ द सिविलियन लेबर फोर्स इज वर्किंग एज गेस्ट वर्कर इन अदर कंट्रीज। मुल्की आबादी का तकरीबन 10%
जो है अफराद वो गैर ममालिक में बहैसियत मेहमान कारकुन मसरूफ़ अमल हैं, यानी दूसरे मुल्कों में जाकर 10% आबादी के लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं। रूरल पापुलेशन दही इलाकों की आबादी, द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी रिसाइड इन रूरल एरियाज। इन 1998 अबाउट 67.5% ऑफ पापुलेशन resides in rural areas, while 32.5% of population was urban. पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत दही इलाकों में रहती है। 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी का 67% देहात में, जबकि 32.5% शहरी इलाकों में रिहाइश पजीर है। Insufficient facilities. The urban population is increasing at a faster rate due to lack of facilities in the rural areas. The rate of population growth is high, which reduce the capital resources. Shahri ilaqon ki abadi mein batadreej tezi se izafa ho raha hai kyunki dehi ilaqon mein sahoolatein bahut kam hain. पाकिस्तान में अफजाइशी आबादी की शरह ज़्यादा है, जिसकी वजह से वसाइल फीकस कम हो रहे हैं और मसाइल में इजाफा हो रहा है। पापुलेशन एंड माइग्रेशन, आबादी और नकल मकानी। कॉजेज फॉर माइग्रेशन, नकल मकानी की वजूहात। फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज फॉर द माइग्रेशन ऑफ पापुलेशन टूवर्ड एंटाइस फैसिलिटीज। Most of our people live in rural areas, attracted towards the cities because of the presence of the abundant facilities of life. Pakistan ki zyada abadi dehi ilaqon mein rehti hai, lekin shahar dehi ilaqon ki abadi ko apni janib raghib kar rahe hain, jiski wajah se abadi mein tezi se izafa ho raha hai. Kaun kaun si wajuhat hain jiski wajah se नकल मकानी हो रही है, तो इसमें सबसे पहले है फैसिलिटीज़, यानी सहूलियात। ज़्यादातर पाकिस्तान की आबादी जो है वो दही इलाकों में रहती है, लेकिन शहर दही इलाकों की आबादी को अपनी जानिब राग़िब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी एक अहम वजह देहात में रोज़गार के मौके और सहूलतों का नस्बता कम होना है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं। शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलियात भी दही इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होती हैं। नंबर टू, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। द इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस ग्रोथ इज़ आल्सो हायर इन अर्बन एरियाज। शहरों में सनती और तजारती तरक्की की भी रफ्तार ज़्यादा है। हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस and recreational facilities are more and better in shape in urban area than rural areas. सेहत की सहूलियात, अच्छे हस्पताल और तबई सहूलियात, तालीमी इदारे, तफरीही सहूलतें शहरों में देहात के मुकाबले में ज़्यादा और बेहतर शक्ल में मयसर हैं। नंबर फोर, cultural activities. The urban areas have more cultural activities. All these attract rural population to urban areas. ثقافتی سرگرمیاں, شہری علاقوں میں ثقافتی سرگرمیاں اور گہما گہمی بھی دیہی علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. Employment factor. The people begin to move to urban areas in search of better employment opportunities and essential basic facilities of life. دیہی इलाकों के रहने वाले लोग शहरी इलाकों की तरफ ज़्यादा नकल मकानी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको रोज़गार के मौके ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और उनको बुनियादी सहूलियात भी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, इसलिए दही आबादी को शहरों में ज़्यादा कशिश महसूस होती है। प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग ड्यू टू माइग्रेशन, क्या क्या मुश्किल आती हैं नकल मकानी की वजह से। द माइग्रेशन ऑफ रूरल
पॉपुलेशन टू अर्बन एरियाज क्रिएट्स सेवरल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। दही आबादी की शहरों की जानिब नकल मकानी से शहरी इलाकों में कई किस्म के मसाइल पैदा होते हैं, जिनमें सबसे पहला है शॉर्टेज ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स। द फास्ट रेट ऑफ माइग्रेशन क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स एंड अकॉर्डिंगली पीपल हैव टू पे मोर रेंट फॉर रेजिडेंशियल हाउसेस और दे आर फोर्स्ड टू लिव इन लोकेलिटीज वेयर नेसेसरी फैसिलिटीज आर जनरली एब्सेंट और लैकिंग। तेज रफ्तार नकल मकानी से रिहायशी मकानों की किल्लत हो जाती है, इसलिए लोगों को ज़्यादा किराया देकर रिहायशी मकानात हासिल करना पड़ते हैं या ऐसी रिहाइश गाहों पर रहने पर मजबूर होते हैं जहाँ या तो सहूलियात सिरे से मौजूद ही नहीं होती या उनका फुकदान होता है, यानी कि बहुत कम सहूलियात मैसर होती हैं। नंबर टू है लैक ऑफ सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन एंड हेल्थ आर क्रिएटेड ड्यू टू प्रेशर ऑन अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी पर दबाव की वजह से सफाई और हिफ्जान सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, द एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज बिकम इनसफिशेंट, तालीमी और तफरीही सहूलियात नाकाफी साबित होती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम बिकम सीवियर, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक का मसला शदीदतर हो जाता है। लैक ऑफ फूड, प्रोविजन ऑफ फूड बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर अ बिग पॉपुलेशन व्हेन मोर पीपल कम इन द अर्बन एरियाज, समटाइम्स देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर ईटेबल आइटम्स। बड़ी पॉपुलेशन को ग़िज़ा पहुंचाना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है जब ज़्यादा लोग शहरी इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं, तो ग़िज़ा की कमी का सामना करना पड़ता है और खाने वाली चीज़ें जो हैं वो कम हो जाती हैं और उनकी शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है। मोस्टली पीपल ऑफ रूरल एरियाज कम इन द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स, ड्यू टू लिमिटेड जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड। ज़्यादातर लोग जो है दही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ जॉब की तलाश में यानी रोज़गार की तलाश में नकल मकानी करते हैं और लिमिटेड जॉब्स यानी कि महदूद नौकरियां मिलती हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में इजाफा होता चला जा रहा है। नंबर सेवन, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू ग्रोथ एंड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, पोल्यूशन इंक्रीजेस व्हिच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। आबादी की बढ़ने की जो रफ्तार है उसकी वजह से आलूदगी में इजाफा हो रहा है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट प्लानिंग टू रिड्यूस माइग्रेशन, हुकूमत क्या इकदाम कर रही है नकल मकानी को रोकने के लिए। द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रिड्यूस द माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरियाज बाई रिसोर्टिंग टू बेटर प्लानिंग एंड सीकिंग अ सोलूशन ऑफ अर्बन प्रॉब्लम्स। हुकूमत की कोशिश है कि मौसर मनसूबा बंदी के ज़रिए देहात से शहरी इलाकों की जानिब आबादी की मुंतकली के रुझान की हौसला शक्नी की जाए और शहरों में आबादी के इजाफे से पैदा शुदा मसाइल का हल ढूँढा जाए। नंबर वन, इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, incentive is being afforded to agriculture to improve the economic of the rural population, jadid khatoot par zaraat ko farogh diya ja raha hai taaki paidawar mein izafa ho aur dahi ilake ki maashi halat behtar ho sake. Small industries, the handicrafts and cottage industries are also being introduced, due to which the rural areas have more employment opportunities, the pressure on the urban areas will be relieved. Dastakari aur gharelu sanaton ki hausla afzai ki ja rahi hai taaki dehat mein sanat o hurfat phaile aur parwan chadhe aur logon ko rozgar ke mauqe moyassar hon, aur agar dehi ilakon mein rozgar ke mauqe badh jayenge to shahri ilakon par abadi ka dabav kam hone ki
तवक्का भी है। नंबर 3 इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डिस्पर्शल मे बी कैरीड टू रिमोट अर्बन एरिया सो डैट ओनली फ्यू बिग सिटीज मे नॉट रिसीव द टोटल एंड मोस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ माइग्रेशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। सनत हुल्फत के नए मंसूबों को चंद बड़े शहरों तक महदूद ना रखा जाए बल्कि इन्हें दूसरे शहरों खुसूसन दूरदराज के इलाकों तक फैला दिया जाए ताकि सिर्फ चंद बड़े शहरों में दही आबादी की नकल मकानी का सारा बोझ ना बर्दाश्त करना पड़े, यानी मुंतकिल होने वाली आबादी सिर्फ चंद बड़े शहरों में इकट्ठी ना हो जाए। नंबर 4 ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, द ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज बीइंग इम्प्रूव्ड अलोंग विद वाइडनिंग ऑफ रोड्स, द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर बीइंग इम्प्रूव्ड सो दैट रूरल एरियाज मे बिकम वेल कनेक्टेड विद द अर्बन वंस। दही इलाकों में ज़राए आमदोरफ्त और नकलो हमल को बेहतर किया जाए ताकि दही इलाकों का शहरों से रابطہ मजबूत हो जाए। नंबर 5 एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, नेसेसरी स्टेप्स आर बीइंग टेकन फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, द विलेज आर बीइंग इलेक्ट्रिफाइड, डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल्स एंड ट्रेड सेंटर्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द रूरल एरियाज। देहात में तालीम और सेहत की सहूलियात में इजाफे के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाने चाहिए। देहात को बतदरीज बिजली मुहैया की जा रही है, डिस्पेंसरी हस्पताल और कारोबारी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। नंबर 6 इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्कीम्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रूरल लाइफ आर अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एक्सपेंडिंग अर्बन पॉपुलेशन। दही ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए स्कीमों के साथ साथ हुकूमत ऐसे मंसूबों पर भी तेज़ी से अमल कर रही है जिससे शहरों में आबादी की वसत और फैलाव से पैदा शुदा मसाइल को एहसन तरीके से हल करने में मदद मिल सके। न्यू सेटलमेंट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश अराउंड द सिटीज विच मे बी सेल्फ सफिशिएंट टू सच एन एक्सटेंट दैट पीपल आर नॉट फोर्स्ड टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ बाय विजिटिंग द हार्ट ऑफ द सिटी एंड द बिग सेंटर्स ऑफ ट्रेड। दीज लोकेलिटीज विल हैव बाजार्स, हॉस्पिटल्स, मस्जिद, स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, पार्क्स एंड रिक्रिएशनल सेंटर्स। शहरों के अतराफ नई आबादियाँ, नई बस्तियाँ आबाद की जा रही हैं जो कि इस हद तक खुद का फील होंगी कि लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए शहरों के मरकजी हिस्सों और तजारती मराकज़ पर ना जाना पड़े। इन बस्तियों में बाज़ार, हस्पताल, मसाजिद, बच्चों के स्कूल, पार्क, तफरी गाहें कायम की जाएंगी। ऐसी आबादी के क़याम से शहर के मरकजी हिस्सों पर आबादी का दबाव कम होने की तवक्का है। नेक्स्ट टॉपिक कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अफजाइश आबादी की वजूहत। फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अफजाइश आबादी की मंदरजा ज़ेल वजूहत हैं। नंबर 1 सोशल एंड रिलीजन फैक्टर, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव डैट अल्लाह इज़ द सस्टेनर एंड प्रोवाइडर। मैनी पीपल थिंक डैट हैविंग अ लार्ज फैमिली इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, दे ऑल्सो कंसिडर फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रेरी टू इस्लाम टीचिंग। समाजी और मजहबी अंसर, पाकिस्तान आवाम की अक्सरियत अल्लाह ताला पर यकीन रखती है, जो चीज़ पहुँचानी है वो अल्लाह ताला ने देनी है। ज़्यादातर अफराद बड़े ख़ानदान रखने पर यकीन रखते हैं और बड़े ख़ानदान को ताकत और कुव्वत का सरचश्मा समझते हैं, उनके नज़दीक फैमिली प्लानिंग। नंबर 2 लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस, फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस हैव नॉट गेन्ड पॉपुलरिटी इन पाकिस्तानी सोसाइटी। फैमिली प्लानिंग यानी ख़ानदानी मंसूबा बंदी पाकिस्तानी सोसाइटी में, पाकिस्तानी माशरे में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा इसके रुझान नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशन, तालीम का फुकदान, द लो लिटरेसी रेट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द हायर पॉपुलेशन ग्रोथ। तालीम की कमी यानी लिटरेसी रेट का कम होना भी आबादी की शरह को, अफजाइश आबादी को बढ़ा रहा है। इलिटरेसी,
In Pakistan, more than 50% people are illiterate. They have no knowledge about the resources and problem of the country. Even they have no idea about their own limited resources. This illiteracy of the people is the main cause of high growth rate of population. Pakistan ke 50% abadi jo hai wo padhi likhi nahi hai, unko malumat nahi hai, masail hain inke bare mein koi malumat nahi hai, yahan tak ke unko apni limited resources, mehdood wasail ka bhi nahi pata hai. Taleem ki kami bhi afzaish abadi badhne ki ek aham wajah hai. Early marriage in the rural areas of Pakistan due to lack of education, there is an early marriage trend, which is another main reason of high growth rate of population. Kam umri mein shaadi ke rawaj se bachchon ki afzaish mein izafa hota hai. Dehi ilaqon mein taleem ki kami hai, jiski wajah se jald shaadiyan kar di jati hain, aur kam umri mein shaadi ke rawaj se bachchon ki afzaish mein izafa hota hai. Poverty, غربت, the growth rate among the poor is greater as compared to other group of society. The reason is that they do not bother about the standard of life and providing good education to their children. غربت ایک اہم وجہ ہے. معاشرے کے دوسرے طبقات کے مقابلے میں غریبوں میں افزائش نسل کی شرح زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معیار زندگی اور بچوں کی تعلیم کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. Men for the desire for a male child result in producing more children in the rural areas. More male children are considered to be an asset for the family and a sign of pride. لڑکے کی خواہش کے نتیجے میں بھی زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں. دیہی علاقوں میں زیادہ بیٹے خاندان کے لیے اثاثہ سمجھے جاتے ہیں. وہ اپنے عزیز و اقارب اور دوسروں کے سامنے اسے شان فخر و افتخار سمجھا جاتا ہے. Steps to reduce population. Following are necessary steps to reduce rate of population growth on the natural resources. مندرجہ ذیل اقدامات سے وسائل پر آبادی کا دباؤ کم ہونے کے دورست نتائج نکل سکتے ہیں. نمبر ون ہے پروڈکٹیو ریسورسز. The productive resources are developed at a faster rate in industry. Therefore, handicraft, cottage industry, agriculture and trade should be developed at faster rate. پیداواری وسائل کو زیادہ تیز رفتاری سے ترقی دی جائے. ان میں صنعت و حرفت کی ترقی, دستکاری اور گھریلو صنعت کو فروغ اور زراعت و تجارت میں ترقی سر فہرست ہے. نمبر ٹو, ٹیکنیکل ایجوکیشن یعنی فنی تعلیم و تربیت. The technical education and training should be popularized and develop modern technology can be used so that the quantity and quality of output of agriculture, industry and other means of livelihood may improve. فنی تعلیم و تربیت کو فروغ دیا جائے اور اسے مقبول بنایا جائے اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جائے تاکہ زراعت, صنعت اور دیگر شعبہ زندگی کے میدانوں میں پیداوار کی مقدار اور معیار میں اضافہ ہو اور بہتری آئے. نیو ریسورسز, نئے وسائل. اسپیشل اٹینشن از نیڈیڈ ٹو ڈسکور نیو ریسورسز پارٹیکولرلی ان مائننگ اینڈ منرل آئل ایکسپلوریشن. نئے وسائل خصوصاً کانکنی اور معدنی تیل کی تلاش کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ. دا اکانومی آف آور کنٹری از ناٹ ویری اسٹرانگ. Economic steps should be taken to make it stable and sound. Pakistan ki yani hamare mulk ki economy jo hai maishyat wo bahut zyada mazboot nahi hai, isliye aise ikdamat uthane chahiye ki jisse hamari maishyat mazboot ho. Cultivation, kashkari. There is a considerable land to be brought under cultivation. This land requires special attention. The land affected by waterlogging and salinity should also be made fit for cultivation. Pakistan mein aisi abadi bakasrat maujood hai jisko ab tak zere-kaasht hi nahi laya gaya, ya agar zere-kaasht laya bhi gaya hai to is par khatir khwah aur zaruri tawajjuh nahi di gayi. Aisi zameen ki taraf khususi tawajjuh dene ki zarurat hai. Mazeed same aur thor zyada zameen ko bhi zere-kaasht lane ka intezam
किया जाए. बेटर यूज़ ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, द मेंटेन बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. ऑल द नेचुरल एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री मस्ट बी यूटिलाइज फुली, इस्पेशली द मिनरल रिसोर्सेज मस्ट बी एक्सप्लोर. माशी और माशर्ती तरक्की के लिए ज़रूरी है कि कौमी मुल्की और कौमी वसाइल और आबादी में तवाज़ुन हो. अगर आबादी बहुत कम हो और मुल्क में कुदरती वसाइल से मौसर तौर पर फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, इसी तरह अगर आबादी बहुत ज़्यादा हो और उसकी शरह अफजाइश ज़्यादा हो तो भी कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खुशहाली को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है. इसलिए ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि जिससे मुल्की कौमी वसाइल और आबादी में तवाज़ुन कायम किया जा सके. नंबर 7, नीड ऑफ ट्रेन एंड स्किल पीपल. फॉर मोर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वी नीड ट्रेन एंड स्किल पीपल. माशर्ती और माशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल वसाइल से मौसर अंदाज में फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि हुनरमंद अफराद और तरबियत याफ्ता अफराद की तादाद में इजाफा किया जाए, क्योंकि हुनरमंद अफराद और तरबियत याफ्ता अफराद की तादाद ज़्यादा होगी तो उससे मुल्क के ज़्यादा वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा और मुल्क तरक्की कर पाएगा. नंबर 8, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट. वुमेन आर द हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ नियरली इम्पॉसिबल. सो ट्रेन वुमेन मस्ट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. हमारी आबादी का आधा हिस्सा जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है और ख़वातीन की शिरकत के बग़ैर हम किसी भी शोबे में तरक्की नहीं कर सकते हैं. इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम ख़वातीन को तालीम दें, तरबियत दें, ताकि वो अपनी तालीम और तरबियत से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें. नंबर 9, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के मौके. देयर इज़ वेरी हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री. इट इज़ अ हिंड्रेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जॉब्स मस्ट बी गिवन टू अनएम्प्लॉयमेंट पीपल फॉर बेटर रिसोर्सेस. हमारे मुल्क में बेरोज़गार अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर लोगों को रोज़गार मुहैया किया जाए, ताकि इससे फिर हमारे मुल्क भी तरक्की कर पाएगा. नंबर 10, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़. मोर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड टू द पीपल फॉर अ बैलेंस बिटवीन नेशनल रिसोर्सेज एंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ज़्यादा अच्छी सेहत की और तालीमी सहूलियात लोगों को मुहैया की जानी चाहिए, ताकि मुल्क में अफजाइश आबादी और वसाइल के दरमियान तवाजुन कायम किया जा सके. इंडस्ट्रियलाइजेशन. More industries should be set in the country to create balance between population growth and the resources of the country. Zyada sanatein, zyada industry lagani chahiye, taki zyada industries lagayenge to usse mulk tarakki karega, logon ko zyada rozgar ke mauke milenge, berozgari ka khatma hoga aur afzaishi abadi aur wasail ke darmiyan tawazun qaim ho jayega. Today we will discuss the homework number 18, सोशल स्टडी यानी पाकिस्तान स्टडीज़. यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे हम, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. इसका टाइटल पेज बनाएंगे, फिर उसके बाद वर्ड स्पेलिंग करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, चूज द बेस्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी. टास्क नंबर 1, सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, और उसका टाइटल पेज बनाएंगे. रीडिंग हमने सबसे पहले कर ली. टाइटल पेज में हम लिखेंगे सबसे पहले चैप्टर का नंबर. चैप्टर नंबर 7 है, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. चैप्टर का नेम है और डेट डालेंगे. टास्क नंबर 2, राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अल्फाज के मायने लिखने हैं. नंबर 1, पॉपुलेशन, द एक्ट ऑफ पॉपुलेटिंग आबादी. डेमोग्राफी, द कंपोजिशन ऑफ अ पार्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन. मर्दमशुमारी का इल्म. ऑक्यूपेशन, अ जॉब और प्रोफेशन, पेशा. सेंसेस, एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे स्पेशली ऑफ अ पॉपुलेशन. मर्दमशुमारी. इसेंशियल, नेसेसरी, ज़रूरी. रिसोर्सेस, एसेट्स, वसाइल.
लाइवलीहुड इनकम जरिए माश इनकरेज सपोर्ट हौसला अफजाई लिटरेसी द एबिलिटी टू रीड एंड राइट ख्वानदगी माइग्रेशन रीसेटलिंग नकल मकानी हिजरत नाउ द टास्क नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स पेज नंबर 125 बुक में है लेकिन कॉपी में भी करनी है आपको नंबर 1 द लास्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन द ईयर - आखिरी मर्दमशुमारी जो पाकिस्तान में हुई वो किस साल हुई थी 2017 में हुई थी 2017 यानी 2017 नंबर 2 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सिंध इज -% पर स्क्वायर किलोमीटर्स सुबह सिंध की कसाफत पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी है 218 अफराद की नंबर 3 टोटल पॉपुलेशन ऑफ कराची अकॉर्डिंग टू द 1998 सेंसस इज अबाउट 10 मिलियन कराची की कुल आबादी 1 करोड़ है 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक नंबर 4 द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज लिव इन - एरियाज पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं रूरल एरियाज यानी दही इलाकों में नंबर 5 द फीमेल लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज - अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस पाकिस्तान की ख़वातीन का लिटरेसी रेट कितना है 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 36% नंबर 6 - इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की अहम प्रॉब्लम क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ यानी अफजाइशी आबादी नंबर 7 - इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट पाकिस्तान कौन सी लैंग्वेज पूरे पाकिस्तान में बोली और समझी जाती है तो वो है हमारी कौमी जबान यानी उर्दू टास्क नंबर 4 चूज द बेस्ट आंसर द फर्स्ट एवर सेंसेस इन साउथ एशिया टुक प्लेस इन - पहली मर्दमशुमारी जो साउथ एशिया में हुई थी कब हुई थी 1572, 1772, 1872 या 1972 नंबर 2 द फर्स्ट सेंसेस इन पाकिस्तान टुक प्लेस इन - पहली मर्दमशुमारी पाकिस्तान की कब हुई 1947, 1951, 1954, 1956 राइट आंसर इज 1951 यानी 1951 में नंबर 3 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज -% स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान की आबादी का तनासुब पर स्क्वायर किलोमीटर कितना है 166 है 156, 176 या 186 राइट आंसर इज 166 नंबर 4 इन पंजाब द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज -% स्क्वायर किलोमीटर 358, 218, 238 या 117 राइट आंसर इज 358 नंबर 5 - इज द 10th लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की 10वीं बड़ा शहर कौन सा है सियालकोट इस्लामाबाद कोयटा राइट आंसर इज इस्लामाबाद नाउ द टास्क नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर Question number 1. Write 3 sentences on the census held in Pakistan. Pakistan mein jab mardamshumari hui hai uske bare mein 3 jumle likhne hain. Number 1. A census is usually held every 10 years. Aam taur par mardamshumari har 10 saal ke baad hoti hai. Number 2. In Pakistan, the first census was held in 1951. The second one is 1961. The third one is 1972. The fourth one is 1981. And the fifth one was held in 1998. Pakistan ki pehli mardumshumari 1951 mein, dusri 1961 mein, teesri 1972 mein, chauthi 1981 mein, aur panchvi mardumshumari 1998 mein hui thi. Number 3 point. The last census was held in 25th May 2017. आखिरी मर्दमशुमारी हुई है 25 मई 2017 को क्वेश्चन नंबर 2 राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ द डेमोग्राफी डेमोग्राफी यानी मर्दम निगारी पर 3 सेंटेंसेस लिखने हैं 3 जुमले लिखने हैं हेडिंग लगाएंगे डेमोग्राफी नंबर 1 द स्टडी ऑफ चेंजिंग नंबर्स ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन अ सोसाइटी ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेमोग्राफी
किसी माशरे में पैदाइश और अमवात के कवायद डेटा के मुताले को मर्दुम निगारी कहते हैं। द डेमोग्राफी डेटा हेल्प्स इन मेकिंग अ गुड प्लानिंग। डेमोग्राफिक का जो डेटा होता है उससे मदद मिलती है अच्छी प्लानिंग करने में। नंबर थ्री, द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफिक आर टोटल पॉपुलेशन, इट्स रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, द अर्बन रूरल रेशियो, लिटरेसी एंड लेवल ऑफ एजुकेशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एवरेज डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अहम करेक्टरिस्टिक्स, अहम खसूसियात जो होती हैं मर्दुम निगारी की, उसमें इस मुल्क की आबादी, उसकी इलाकाई तकसीम, शहरी और दही आबादी का तनासब, खुआंदगी और तालीम की सतह, आबादी में इजाफे की शरह, फी मुरबा किलोमीटर आबादी की औसत कसाफत और बाशिंदों के रोजगार और पेशे शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट थ्री कॉजेज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी के बढ़ने की वजूहात। नंबर वन, सोशल फैक्टर। पीपल थिंक दैट हैविंग अ लार्ज फैमिली इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। लोग समझते हैं कि बड़े खानदान जो है वो मजबूती का, कुव्वत का, ताकत का बाइस है। नंबर टू, पॉवर्टी। पीपल थिंक दैट दे कैन गेट राइट ऑफ पॉवर्टी बाय हैविंग अ लार्ज फैमिली। नंबर थ्री, अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिजेस आर आल्सो अ ग्रेट कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अर्ली मैरिज यानी जल्द शादियां भी पॉपुलेशन ग्रोथ का, अफदाइश आबादी का सबब बनती हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर, राइट डाउन द लिटरेसी परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1951 टू 1998। लिटरेसी की परसेंटेज बतानी है आपने 1951 से 1998 तक। 1951 में थी 13.2, 1961 में थी 16%, 1972 में थी 21.7% और 1981 में थी 26% और 1998 में थी 45%। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन फूड। ज़्यादा आबादी के बढ़ने से फूड पर, ग़िज़ा पर क्या असर होता है। इफेक्ट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन फूड हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, द प्रोविजन ऑफ फूड इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ज़्यादा आबादी के बढ़ने से ग़िज़ा की तकसीम, हर एक को ग़िज़ा पहुँचाना भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है मुल्क में। अबाउट 24% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। हमारे मुल्क की 24% आबादी जो है वो गुर्बत की जो लाइन है उससे भी नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। नंबर थ्री, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन, इट इज़ अफेक्टिंग देयर हेल्थ। लोग जो हैं वो बहुत कम उन्हें खाना को मिलता है, तीन वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती है, इससे उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन एजुकेशन। आबादी के बढ़ने से एजुकेशन पर, तालीम पर क्या असर होता है। हेडिंग लगाएंगे, इफेक्ट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन एजुकेशन। नंबर वन पॉइंट, द गवर्नमेंट अफेक्ट्स टू प्रमोट प्राइमरी एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज़ नॉट मीट विद सक्सेस। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की मदद से तालीम की सहूलियात लोगों तक पहुँचा रही है, ख़ास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन की, प्राइमरी की तालीम को ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी एजुकेशन तक तो कम से कम तालीम हासिल करें, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी इसमें नहीं हो सकी है। नंबर टू, द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज़ ओनली 45%। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो सिर्फ 45% है। ऑफ दिस मेल लिटरेसी रेट इज़ 61% वाइल दैट द फीमेल इज़ ओनली 36%। मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 61% है और फीमेल का लिटरेसी रेट जो है वो 36% है। नाउ द टास्क नंबर सिक्स, एक्टिविटी, मेक अ टेबल शोज एरिया पॉपुलेशन रेशियो डेंसिटी ऑफ पाकिस्तान सिंध पंजाब केपीके बलूचिस्तान फाटा एंड इस्लामाबाद। टेबल बनाना है आपने एक, उसमें आपने बताना है पॉपुलेशन का रेशियो, डेंसिटी ऑफ पाकिस्तान सिंध की पंजाब की केपीके की बलूचिस्तान की फाटा की और इस्लामाबाद की।
टेबल ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। पहला कॉलम उसमें आ जाएगा सीरियल नंबर का, दूसरे में आप एरियाज़ के नाम लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान लिखेंगे, फिर सिंध लिखेंगे, फिर पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान, फाटा और फिर इस्लामाबाद। उसके बाद फिर आपने इसमें क्या लिखना है, तीसरे कॉलम में पॉपुलेशन रेशियो यानि आबादी का तनासुब, एरिया यानि कुल रकबा, उसके बाद डेंसिटी यानि कसाफत, गुंजाइश। इस तरह से टोटल आपके 5 कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। आपकी बुक में भी बना हुआ है कॉलम, बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स में हमने सबसे पहले लिखना है चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर 7, फिर चैप्टर का नेम द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की आबादी। सबसे पहले हमने काम जो किया था वो लिखेंगे यानी वर्ड्स मीनिंग, फिर हमने की थी फिल इन द ब्लैंक्स, फिर चूज द बेस्ट आंसर, शॉर्टकट आंसर और लास्ट में एक्टिविटी। इस तरह से आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, असाइनमेंट समझ लिया होगा, कॉपी में काम भी साफ़ सुथरा करना है आपने। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।